हेलो दोस्तों, टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अजिंक्य रहाणे होंगे पांचवें टेस्ट मैच से बाहर और इनकी जगह खेलेंगे यह भारतीय खिलाड़ी। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और इंग्लैंड के बीच 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने अपनी टीम में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। लंबे समय से खेल रहे जसप्रीत बुमराह को पांचवें टेस्ट मैच में वर्कलोड के कारण आराम दिया जा सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद जसप्रीत बुमराह को आईपीएल और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। इसलिए बुमराह की जगह टीम इंडिया में मोहम्मद शमी की वापसी होगी, जो तीसरे मैच में हल्की चोट के कारण चौथे टेस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और वहीं टीम इंडिया की कमजोर कड़ी साबित हो रहे अजिंक्य रहाणे को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह टीम में सूर्य कुमार यादव या हनुमा विहारी को खिलाया जा सकता है। और वहीं चेतेश्वर पुजारा चौथे टेस्ट मैच में टखने की चोट की वजह से चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से उन पर मेडिकल की टीम की निगरानी रखी गई है। अगर चेतेश्वर पुजारा पांचवें टेस्ट में फिट नहीं हुए तो उनकी जगह टीम में मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शाह को दी जा सकती है। दोस्तों, इसी तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।